हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम करेंगे स्नैपड्रैगन वर्सेस मीडियाटेक डिमेंसिटी वाले प्रोसेसर। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एंटूटू बेंचमार्क, गीकबेंच, फिर हम काइनमास्टर में वीडियो रेंडरिंग करेंगे, साथ में लास्ट में पबजी के ग्राफिक्स भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये मिड रेंज टू मतलब आप लगा सकते हो 12,000 से 30,000 तक के फ़ोन जाते हैं। फ़ोन्स काफ़ी बढ़िया हैं इंडिया में, आप जैसे आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, और 2021 में आपको डोमेस्टिक वाले प्रोसेसर भी मिलेंगे जो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। स्नैपड्रैगन में शुरू होता है 720G, फिर हमारा 730G, फिर 732G और स्नैपड्रैगन 855। वहीं डोमेस्टिक वाले प्रोसेसर हैं रियलमी Q2 डोमेस्टिक 800U, रेडमी 10X 5G डोमेस्टिक 820, रियलमी X7 प्रो और रेडमी K30 अल्ट्रा, इसमें डोमेस्टिक 1000 प्लस है। तो वही मेरे हिसाब से अगर आप 20,000 में देखो इनमें से, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ रियलमी 7 प्रो, और अगर हम डोमेस्टिक वाले में देखें तो रेडमी K30 अल्ट्रा और रियलमी X7 प्रो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। 25,000 के पास आप कह सकते हो इंडिया में इस प्राइस में आ जाएं। मगर भाई फ़ोन बहुत बढ़िया है, 5G फ़ोन है। डोमेस्टिक वाले चारों फ़ोन मेरे जो नीचे लाइन में लगे हुए हैं वो चारों 5G फ़ोन हैं, और 12,000 से शुरू हो जाते हैं। चाइनी कॉस्ट बता रहा हूँ, अगर इंपोर्ट कराओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, और 22,000 से 25,000 तक जाते हैं। तो हम ये सॉरी मायरा ने मेरा एक फ़ोन उठा लिया है, तो मैं पकड़ के लाता हूँ इसको और शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। तो भाई पहले टेम्परेचर देख लेते हैं। रियलमी 7 प्रो 29, सैमसंग M51 30 डिग्रीज, पोको X3 31, रियलमी X2 प्रो 36 डिग्रीज, रियलमी Q2 29, Redmi 10X 30.6, Realme X7 Pro 32 डिग्री और Redmi K30 Ultra 35 डिग्रीज। तो भाई मैं RAM क्लियर कर देता हूँ सबकी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सबकी RAM क्लियर हो गई है ऑलमोस्ट मेरी, और एक बार मैं सबका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ कर दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ मिलता है और कुछ कुछ में सिर्फ 60 हर्ट्ज़ की ऑप्शन है। तो मैं 60 हर्ट्ज़ सब में ऑप्शन में कर दूंगा, उसके बाद हम ये टेस्ट बिगेन करेंगे। मैं ये टेस्ट 3 बार करूँगा, सारे मतलब जो भी ऐप्स खोलूँगा उसको 3 बार करूँगा, और देखेंगे क्या स्पीड रहती है और कैसी परफॉर्मेंस रहती है, फ़ोन गर्म तो नहीं होता और स्कोर मेंटेन कर पाता है या नहीं। तो लंबा टेस्ट होगा काफ़ी, तो भाई इस इतनी मेहनत की है तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। तो अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले स्कोर हमारा आता है कौन से फ़ोन का, ऑलमोस्ट 96-99%, रियलमी X7 प्रो, जिसने 5,26,827, काफ़ी बढ़िया। फिर रियलमी X2 प्रो 4,80,000, रेडमी K30 अल्ट्रा 4,83,000, फिर हमारे बाकी फ़ोन्स भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो जो स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन्स हैं ऊपर तीन, उनका स्कोर अंडर 3 लाख आया है, और जो डोमेस्टिक वाले फ़ोन्स हैं 800U और 820, उनका स्कोर एक का 337 और 393, नियर 4 लाख आया। तो काफ़ी बढ़िया स्कोर है डोमेस्टिक वाले प्रोसेसर का। 720, 730 और 732 ठीक है। तो टेम्परेचर देख लेते हैं, 40 डिग्री K30 39, 40 के पास, 36 डिग्रीज रेडमी 10X, Q2 34 डिग्रीज, ये 34, 32 डिग्रीज 35 के पास, 36, पोको X3 थोड़ा गर्म हो गया है 37, और हमारा Realme X2 Pro 41 डिग्री। तो टेम्परेचर ठीक है, बहुत हीटिंग नहीं हुई है। तो मैं ये फिर से टेस्ट करूँगा, सेम टेस्ट 2 बार और एंड में देखेंगे स्कोर कितना मेंटेन रहता है और कितना गिर जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड टाइम भी टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक बार और करूँगा, उसके बाद फाइनल देखेंगे फर्स्ट टाइम का क्या स्कोर था और लास्ट टाइम का क्या स्कोर है। अभी तक ऑलमोस्ट सेम मेंटेन हो रहा है, तो देख लेते हैं क्या स्कोर आता है। और भाई फिर से कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, काफ़ी लंबी वीडियोस बन जाती हैं जब आप बनाते हो। तुम्हारे Redmi K30 Ultra में ओवरहीटिंग की नोटिफिकेशन आई है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बाद में टेस्ट के बाद मैं टेम्परेचर भी चेक करके बताऊँगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा टेस्ट कम्प्लीट होने वाला है। तो Realme X2 Pro सबसे पहले है 4,65,000, इसका स्कोर कम हुआ है पहले टाइम से। मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है फर्स्ट टाइम क्या स्कोर था और लास्ट टाइम क्या स्कोर था। टेम्परेचर की बात की तो Realme X2 Pro 45 डिग्रीज तक आ चुका है, वहीं हमारा Redmi K30 Ultra 46 प्लस हो गया है, Realme X7 Pro 44 के पास, Redmi 10X 5G 40 डिग्रीज के पास। हमारा फिर से आ गई है हमारा फ़ोन चुराने, तो ये बड़ा पंगा है यार। तो नेक्स्ट है हमारा Realme Q2 36.5 और 6,
रियलमी 7 प्रो 36 और सैमसंग M51 34, पोको X3 ये 37, 38 और 39 के पास आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा गर्म नहीं हुए हैं, थोड़ा सा Redmi K30 Ultra 46 प्लस चले गया था, वो थोड़ा हीटिंग लगा मुझे। बाकी 43 Realme X7 Pro भी है, Dimensity वाले प्रोसेसर ठीक है। बाकी अब हम ट्राई करेंगे Geekbench, जी हाँ Geekbench करेंगे 3 बार, उसका CPU benchmark स्कोर देखेंगे और देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस होती है 3 बार में, ठीक है। इस बार वही 3 बार टेस्ट करेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे। तो भाई शुरू करते हैं हमारा CPU benchmark स्कोर और देखते हैं क्या स्कोर्स आते हैं हमारे Dimensity वाले प्रोसेसर और Snapdragon में तो मुझे 855 काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, 855 प्लस अब भी, और Dimensity 1000 प्लस और 820 और 800U भी काफ़ी इंप्रेसिव है। तो स्कोर देख सकते हैं, तो 855 का है 772, मगर Realme X7 Pro का 767 और जो मल्टी कोर है वो काफ़ी अच्छा है, 2690 जो उसका 2500 आया है, और यहाँ पर 820 का 475 ये थोड़ा कम आया है, मगर हमारे Dimensity 800U का नियर अबाउट 600 आया है, जो मेरे हिसाब से मिड रेंज में सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। बाकी Redmi K30 Ultra का बहुत ही कम स्कोर आया है, वो मुझे समझ नहीं आया क्यों, सिर्फ 405। बाकी ये मैं टेस्ट अभी 2 बार और करूँगा तो फाइनल स्कोर एंड में देखेंगे क्या बनता है। और ये हमारा Samsung M52 का भी हो गया, तो एक बार फिर से शुरू करते हैं और 3 बार कंप्लीट कर लेते हैं ये टेस्ट सब फोन्स के। तो मैंने स्किप किया है और लास्ट में आ चुका हूँ, Realme X2 Pro 7776 जो ऑलमोस्ट सेम है पहले की तरह। Realme X7 Pro कम हुआ है मगर K30 Ultra काफ़ी अच्छा आया है। वहीं बात की जाए हमारे Dimensity 820 और Dimensity 800U की, उनके ऑलमोस्ट सेम आए हैं, और हमारा जो Realme 7 Pro है उसका भी थोड़ा ऑलमोस्ट सेम ही है 571 के पास। जो X3 है हमारा Poco का वो भी सेम ही आया है। तो देख सकते हैं Dimensity benchmark में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। अब करते हैं हम वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। मैंने KineMaster खोला है, मैं मोस्टली अपनी वीडियो KineMaster के थ्रू ही बनाता हूँ, तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको मैं फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड करूँगा सारे फ़ोन्स में। कुछ फ़ोन सपोर्ट करते हैं QHD और कुछ 4K भी सपोर्ट करते हैं, मगर कुछ सिर्फ फुल HD। तो मैंने फुल HD पे सारे 8 के 8 फ़ोन लगा दिए हैं, इनको हम रेंडर करेंगे, देखेंगे कितनी जल्दी होता है प्लस कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस होती है। अभी तक मेरे हिसाब से Dimensity वाले प्रोसेसर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है, तो इस टेस्ट में भी देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो आपको भी पता चल जाएगा फ्यूचर में अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हो क्या परफॉर्मेंस है हर फील्ड में इन फ़ोन्स की। तो इसको भी हम 3 बार करेंगे और 3रे बार के बाद देखेंगे फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। तो स्पीड बढ़िया चल रही है सारे फ़ोन्स की, थोड़ा ये Redmi 10X 5G जो Dimensity 820 है वो थोड़ा मुझे स्लो लगा है अभी तक, क्योंकि ऑलमोस्ट होने वाले हैं काफ़ी फ़ोन और वो अभी आधा भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर Realme X2 Pro फिर से सबसे पहले हो चुका है, और हमारा Samsung M51 काफ़ी जल्दी हो गया, Poco X3, Realme X3 Pro और Redmi K30 Ultra भी हो चुके हैं, सारे ही हो चुके हैं, मगर ये जो Dimensity 800U और Dimensity 820 वाले जो 2 फ़ोन पड़े हैं नीचे वो अभी तक नहीं हुए, आप देख सकते हैं बाकी सारे फ़ोन हो चुके हैं। तो ये इसमें काफ़ी स्लो आ रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ Dimensity के जो मिड रेंज हैं उसमें आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी सी स्लो परफॉर्मेंस मिल सकती है काफ़ी जगह में। अभी तक आप देख सकते हैं Dimensity 820 वाला प्रोसेसर नहीं हो चुका, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी मैं 2 बार और करूँगा उसके बाद हम रिज़ल्ट निकाल लेंगे। तो मैं सेकेंड और थर्ड टाइम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं सारे फ़ोन्स में हो चुका है मगर Redmi 10X अभी भी स्लो है। तो ये मुझे लगा Dimensity 800U और Dimensity 820 इस चीज़ में काफ़ी स्लो लगे, Snapdragon 7 सीरीज काफ़ी अच्छी थी और Realme X7 Pro और Redmi K30 Ultra भी काफ़ी मुझे ठीक लगा। बाकी लास्ट में हम देखेंगे PUBG के ग्राफिक्स, जी हाँ कौन से फ़ोन में कौन से ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं PUBG। तो शुरू करते हैं हम Realme से और सारे पहले PUBG ऑन कर लेते हैं। तो ये भाई सबकी IDs भी लॉगिन करनी पड़ेगी, ये बहुत स्यापा है। तो यहाँ पर हमारा पहला है Realme 7 Pro, ये इंडिया में 20,000 का काफ़ी बढ़िया फ़ोन लगता है। तो इसमें आप खेल सकते हैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा HD हाई पे, ना आपको स्मूथ एक्सट्रीम मिलेगा ना ही आपको मिलेगा HDR का सपोर्ट। सेकंड नंबर है हमारा Dimensity 800U Realme Q2, इसमें भी आपको मिलता है ग्राफिक्स में स्मूथ अल्ट्रा और HD हाई। Redmi 10X Dimensity 820, इसमें देखते हैं किस ग्राफिक्स में हम खेल सकते हैं
और इसमें भी आपको सेम मिलता है स्मूथ अल्ट्रा और एच टी और हाई। तो मेरे हिसाब से यार स्मूथ एक्सट्रीम देना चाहिए, 15-20 हज़ार वाले फ़ोन में भी काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फ़ोन रियलमी X7 Pro। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, ये बढ़िया 90 हर्ट्स नहीं दिया और HDR का सपोर्ट मिलता है। मगर मेरा फ़ोन इस टाइम मैंने 60 हर्ट्स किया था, मैं इसको 120 हर्ट्स करके देखता हूँ शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो या नहीं होती। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ही आ रही है तो कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो इसको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद हम चलाते हैं हमारा सैमसंग M51 स्नैपड्रैगन 730G के साथ आता है। इसमें आपको पता ही है स्मूथ प्लस अल्ट्रा HD हाई। फिर आता है हमारा पोको X3, इसमें मिलेगा आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा HD प्लस हाई नो HDR। अब आता है हमारा रियलमी X2 Pro, इसमें आपको 90 FPS मिलता है, तो मेरे हिसाब से कुछ बढ़िया हो सकता है। तो इसकी ग्राफिक्स देख लेंगे आप, स्मूथ प्लस 90 FPS, ये कमाल की चीज़ है इसमें। प्लस इसमें आपको अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट मिलता है, HDR में भी आप एक्सट्रीम में खेल सकते हो। तो भाई रियलमी X2 Pro इस टाइम अभी भी मैं कहूँगा 30 साल में बेस्ट फ़ोन है। लास्ट टाइम हमारा रेडमी K30 Ultra, तो इसमें भी आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मिलता है, प्लस इसमें आपको अल्ट्रा HD का सपोर्ट भी मिलता है। तो वो मैं डाउनलोड करता हूँ, वैसे इसमें मिला था तो मेरे हिसाब से रियलमी X7 Pro में भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर हैं। तो यहाँ पर आप अल्ट्रा HD अल्ट्रा में खेल सकते हो, तो भाई रियलमी X2 Pro कमाल है, मगर इसमें हम अल्ट्रा HD हाई में खेल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ रियलमी X2 Pro 30,000 में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, और डोमेस्टिक वाले को प्रोसेसर की बेंचमार्क स्कोर्स काफ़ी अच्छे आए थे, मगर जो हमने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया था उसमें थोड़ी निराशा हुई मुझे। आपको क्या लगता है, और आज के टेस्ट में आपको सबसे बढ़िया फ़ोन कौन सा लगा? स्नैपड्रैगन की बात की जाए तो मुझे 720G रियलमी 7 Pro काफ़ी इंप्रेसिव लगा, और डोमेस्टिक में देखा जाए तो 800U मुझे अच्छा लगा, और ये 1000 प्लस वाला प्रोसेसर भी काफ़ी इंप्रेसिव लगा। और रियलमी X2 Pro जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस लास्ट ईयर का फ़ोन है, वो अभी भी मुझे काफ़ी हद तक इंप्रेस कर चुका है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई और कंपैरिजन या टेस्ट चाहते हैं इन फोन्स के बीच में या दो फोन्स के बीच में, आप मुझे कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।